नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और आखिरकार वो तारीख करीब आ गई जब महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर बैन लागू हो जाएगा। प्लास्टिक की पाबंदी पर अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई आगे होगी, लेकिन 23 जून यानी कि कल से महाराष्ट्र में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाएगा। कुछ खास किस्म के मामलों में इस्तेमाल की छूट है हालांकि, लेकिन जैसे कि दवा की पैकिंग हो, टिफिन बॉक्स हो, पानी की बोतल हो, लेकिन कल से अगर आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो आप पर भारी जुर्माना होगा। पहली बार में 5,000 से लेकर 30,000, तीसरी बार में 25,000 रुपए तक का। यानी कि प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले मुंबई कर सावधान हो जाएं, क्योंकि प्लास्टिक पर पाबंदी का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कदम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की मुहिम कामयाब होती है तो देश भर के लिए मिसाल बन सकती है। ज्यादा बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रामदास कदम साहब हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेन शाह मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर के, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। मेरे साथ स्वाति सिंह है, स्वाति सिंह सांब्याल प्रोग्राम मैनेजर हैं सीएससी की। वरुण श्रीवास्तव भी हैं, पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं बीएमसी के। और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर विजय हब्बू हैं, एडवाइजर हैं पेस के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, उससे पहले कुछ अहम जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए, किस प्लास्टिक पर रोक है, क्योंकि महाराष्ट्र में कल से प्लास्टिक पर बैन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह के प्लास्टिक पर रोक है, तो ये हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, हर तरह के प्लास्टिक बैग पर रोक है, फिर चाहे आपका प्लास्टिक का शॉपिंग बैग हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो वो बैग हो, इन सब पर रोक है। प्लास्टिक की मोटाई से कोई मतलब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग हैंडल वाला प्लास्टिक है तो आप मुझे रियायत दे दीजिए। आपके लिए कोई रियायत नहीं है। प्लास्टिक की मोटाई से इसका कोई मतलब नहीं है। हैंडल या बिना हैंडल वाले सभी तरह की थैलियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैंडल प्लास्टिक का है और बाकी बॉडी अगर उसकी पेपर की है या प्लास्टिक से बनी हुई है तो भी वो बैन होगा। यहाँ पर सब्जी की थैली, डेयरी के दूध वाली थैली, इस पर भी बैन है। और डेयरी, क्योंकि मदर डेयरी जैसी जो, या फिर अमूल जो है वो थैलियों में दूध देता है, उस पर भी कल से बैन लग जाएगा। तो देखिए, कल जब आप दूध खरीदने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आपको दूध मिलता है। बोतल में दूध मिलता है, कांच की बोतल में दूध मिलता है, या फिर पॉलीथीन में दूध मिलता है, वो भी यहाँ पर बैन है। थर्माकोल के साथ साथ डिस्पोजेबल कप, चम्मच, प्लेट, जो छोटे छोटे ईटिंग आउट जॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में, चम्मच, प्लेट, इन सब का इस्तेमाल होता है, थर्माकोल का बहुत इस्तेमाल होता है, उस पर भी बैन है। अब बर्थडे या फिर गणपति में जो सजावट का सामान होता है उसमें भी थर्माकोल का इस्तेमाल होता है, उस पर भी बैन है। गणपति का कार्यक्रम अभी आने वाला है। रेस्टोरों में यूज होने वाले कंटेनर्स, उन पर भी यहाँ पर बैन है। अगर आप रेस्टोरों से खाना लाते हैं जो डब्बे में आपको पैक करके दिया जाता है, उस पर भी बैन है। चाय और कोल्ड ड्रिंक वाले जो कप होते हैं, उस तरह के प्लास्टिक पर भी बैन है। और जिपलॉक वाले जो पाउचेज आपको बाजार में मिलते हैं, उस पर भी बैन है। तो समझ लीजिए, ये वो चीजें हैं जिन पर बैन है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर जुर्माना कितना है। अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार अगर आप नियम तोड़ते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना, जो कि पूरी तरह से डबल हो जाएगा। तीसरी बार जुर्माना तोड़ा तो 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल आपको हो सकती है। अगर आपने जुर्माना नहीं दिया, उस केस में कोर्ट तय करेगा कि आखिर जुर्माना क्या होगा। अब आप ये समझिए कि किस तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। FMCG जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो पैकेजिंग में इस्तेमाल करती है FMCG, वो जो है उस पर बैन नहीं है। प्लास्टिक की पानी की बोतलें, इन पर बैन नहीं है। टिफिन, जो बार बार यूज होने वाला बर्तन होता है, उस पर कोई बैन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर दूसरे पैकेजिंग की थैलियां हो, उन पर भी बैन नहीं है। और एल्यूमिनियम फाइल और दूध की पैकेज्ड थैली, इस पर भी बैन
नहीं है। खेतों के सामान की जो पैकेजिंग की थैली है उसमें भी बैन नहीं है। मेडिकल सर्विस में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती हैं जिनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उस पर भी बैन नहीं है। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली जो थैली है उस पर भी बैन नहीं है। और जो तमाम तरह के रेनकोट्स आप बाजार में देख रहे हैं क्योंकि मुंबई में मॉनसून है उस पर भी बैन नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो बैन नहीं है। अब देखिए, मैं सबसे पहला सवाल रामदास कदम साहब आपके पास आना चाहूंगी। कल से मुंबई में प्लास्टिक पर बैन है, सरकार की पहल को अमल में करने के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं कि आम आदमी को परेशानी ना हो? महाराष्ट्र में कल से प्लास्टिक बंदी के ऊपर अमल किया जाएगा। माननीय न्यायालय ने उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की है या एब्जेक्शन नहीं लिया है, या न्यायालय ने बंदी जो रखी थी 3 महीने की उसके आगे मुदत नहीं बढ़ा दी है। इसके लिए कल से जो जो प्लास्टिक उत्पादक है उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। लोगों में अब तक जागरूकता बहुत कम है, ऐसे नियमों को दुरुपयोग ना हो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? लोगों में जागरूकता नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। पिछले 9 महीने से ये प्लास्टिक बंदी का जो हमने निर्णय लिया है उसमें महाराष्ट्र के लोगों को जन जागृति करने का काम भी महाराष्ट्र के शासन ने किया है। हमने जाहिरात दी है, लोगों तक पहुँचा है, ST के ऊपर भी हमने जाहिरात दी है और किस किस चीज़ के ऊपर बंदी है ये भी हमने जाहिरात में दिया है। हम गुड़ी पाड़वे के दिन से ही ये प्लास्टिक बंदी का निर्णय हमने लिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने 3 महीने की मुदत बढ़ा दी थी और 3 महीना आज ही खत्म हुआ है। इसके लिए ये वक्त कम नहीं है, जन जागृति हुई है, लोगों को पता है और प्लास्टिक क्यों बंद होना चाहिए उसकी जानकारी भी लोगों को अभी हुई है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जानकारी अभी हुई है। लेकिन सर, 5,000 रुपए का जो जुर्माना है वो कड़ा है, क्या इसे कुछ कम किया जा सकता है भविष्य में? क्योंकि फिलहाल प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, उसे एकदम से हटाना और ये कहना कि अगर आप इसे नहीं हटाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, ये कुछ ज्यादा कड़ा नहीं है सर? नहीं, कम करने का जुर्माना कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम अगर विदेश में जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं भी रस्ते पे कचरा नहीं दिखता। अगर रस्ते पे कचरा दिखता है तो वो आदमी को जो डालता है उसको तात्काल जेल होता है, तो कायदे का डर होना चाहिए। यहाँ पे महाराष्ट्र में कायदा होता है लेकिन उसकी अमल उसके ऊपर अमल नहीं होता है। ये डर किसको होगा? 5,000 रुपये का फाइन दंड या 10,000 का जुर्माना या 25,000 का जुर्माना? जो आदमी कायदे का उल्लंघन करेगा, 9 महीना हम महाराष्ट्र के लोगों के पास जाके हमने कहा है, जन जागृति किया है, 3 महीना माननीय न्यायालय ने दिया है, तो उसके बावजूद भी जानबूझ के कोई प्लास्टिक हाथ में लेके घूमेगा तो उसको तो 5,000 भरना पड़ेगा, तो 5,000 जेब में लेके ही जाएगा फिर, और सबको पता है अभी। लेकिन ये वक्त भी नहीं आएगा शायद, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक का उत्पादन होता है वहीं पर पहले बंदी हम लाने वाले हैं, उनके ऊपर पहले हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो प्लास्टिक उत्पादन जहाँ होता है वहीं पे अगर कार्रवाई होती है, दुकान में प्लास्टिक आएगा नहीं तो सर्व सामान्य आदमी के हाथ में प्लास्टिक कहाँ से आएगा? तो थैली आएगी नहीं। और आज कपड़े की थैली बाजार में बहुत सारी ज़्यादा आई है पिछले 6 महीने से, एक ये हमने कार्रवाई की है, कॉटन का थैली कपड़े का थैली बाजार में हमने लाया है, तो अभी उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोगों को अभी पर्याय मिला है। आज मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से वर्ली में जो 120 स्टॉल वहाँ पे है आज लगाए है, वो अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के हर चीज़ में पर्याय है, ऐसा उन्होंने वहाँ उसने दिखाया है। कदम साहब, प्लास्टिक कारोबारी ये कह रहे हैं कि कारोबार को नुकसान होगा, क्या उनकी दिक्कतों को दूर करने पर सरकार कुछ सोच रही है? ये हम जो प्लास्टिक बंद किया है वो महाराष्ट्र शासन ने प्लास्टिक बंद किया है, वो वन टाइम यूज, एक वक्त यूज करके हम जो फेंकते हैं वो हमने बंद किया है प्लास्टिक, और वो जो है अपने आरोग्य के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में बड़ी पैमाने में 1200 टन कचरा प्लास्टिक का एक दिन में होता है, उसके ऊपर रिसाइकलिंग नहीं होती है। अगर प्लास्टिक चीज़ ऐसी है कि 1,000 साल तक उसका विघटन नहीं होता है,
तो आज जहाँ भी हम देखेंगे, हम हमारे घर के बाहर देखेंगे तो प्लास्टिक का कचरा आपको दिखने को मिलेगा, गटर में देखेंगे तो प्लास्टिक आपको दिखेगा, नाले में देखेगा तो प्लास्टिक आपको मिलेगा दिखेगा, समुद्र में हम देखेंगे तो हमको सब प्लास्टिक समुद्र में हुआ है, रास्ते में हम दोनों बाजू में देखेंगे तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और इससे ही ज़्यादा अगर प्लास्टिक जलता है उससे जो विषाणु वायु निकलते हैं उससे कैंसर भी होता है। बिल्कुल कदम साहब, और अब वो समय आ गया है, शायद लोगों को समझ भी जाना चाहिए कि प्लास्टिक कैसे हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन सर एक बात बताइए कि क्या सरकार प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाने के लिए कोई इंसेंटिव देगी? नहीं, छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो हमने दंडात्मक कार्यवाही रखे है उसमें कुछ भी कम नहीं होगा। प्लास्टिक लगभग 80-90% प्लास्टिक आज महाराष्ट्र के लोगों ने बंद किया है। इस निर्णय का महाराष्ट्र लोगों ने स्वागत किया है। एक खुद की मुहिम है, हमारी अगली पीढ़ी है उनको बचाना हमें है, इसके लिए प्लास्टिक को गाड़ना है, प्लास्टिक के राक्षस को। ये निर्णय महाराष्ट्र के जनता ने लिया है और मैं महाराष्ट्र के जनता का स्वागत करता हूँ। जो कानून है वो कानून से कल से ही उसकी अमल हो जाएगी और जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर तो कड़क कार्रवाई हो जाएगी। महाराष्ट्र के बाहर से कि गुजरात हो या और कौन सा राज्य हो, वहाँ से कोई प्लास्टिक चोरी से लाने की कोशिश करेगा तो उनको 3 महीने की कैद के हम यहाँ पे तजवीज़ किए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र का सभी जनता का खूब खूब स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये प्लास्टिक का जो स्वागत किया है उसके अमल बजाने भी करने के लिए आप सभी का मुझे साथ चाहिए, ऐसे आपको विनती करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कदम साहब। आपके पास समय कम था, फिर भी आपने हमें ये कीमती समय दिया, आपने हमारे दर्शकों से ये जो बातचीत की और बातें आपने समझाई यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर वीरेन, आपने यहाँ पर पर्यावरण मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम प्लास्टिक को बैन करने वाले हैं। क्या अब जब कल से बैन हो रहा है, क्या रिटेल ट्रेडर्स तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक से अगर पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोग सब साथ में हैं और प्लास्टिक को हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लास्टिक के साथ में हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल जुड़ा हुआ है, जो हमारी प्रोटेक्शन है, जैसे ये इतना महंगा चूड़ीदार कुर्ता है, आप देख सकते हैं करीबन 6,000 रुपये का है। इसको हम प्लास्टिक में रखते हैं, जो सप्लायर हमें मैन्युफैक्चरर्स की ओर से भेजा जाता है, और हम ये दिखाते हैं, ऑल्टर करते हैं और वापस उसको उसी में डाल के कस्टमर को देते हैं। हमें अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि ये प्लास्टिक की थैली जो मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आती है, हालांकि नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें अलाउड है, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं बातें करते हैं तो बोलते हैं पीपी थैली अलाउड नहीं है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स के सप्लाई हुआ है। बारिश का मौसम है, अगर आप प्लास्टिक निकाल दो और उस जगह पे पेपर लेके आओ तो क्या हमारा ये कपड़ा बाहर जाएगा बारिश में तो खराब नहीं होगा बिना थैली की? तो ये सवाल मुझे कदम साहब से पूछना था, और अगर ये जवाब दे पाते तो लाखों महाराष्ट्र के व्यापारी आज खुश हो जाते थे और आपकी चैनल को बधाई देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को आपने सवाल करने को नहीं दिया। मैं फिर वापस आपको बताता हूँ, ये जो कपड़े आते हैं हमारे को प्लास्टिक की थैली में आते हैं, ये शायद अगर बीएमसी इंस्पेक्टर को पता नहीं है जो तो बात ये नोटिफिकेशन कही में कि वो वाला प्लास्टिक जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उससे परेशानी है। अगर आप इस प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो शायद परेशानी नहीं होनी चाहिए। खैर ये रिसाइक्लेबल है मैडम। हाँ, स्वाति मेरे साथ है। अच्छा, स्वाति ये और एक मिनट मिन, एक और हाँ, एक और बात, एक और बात, एक और बात मैडम, अगर आपने बताया आप कि शुरुआत में हमारे साथ जुड़े तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर प्लास्टिक बैन नहीं है। खैर आगे बात कर लेते हैं, सरकार ने साफ किया है कि शुरुआत है अभी, और खासतौर पर जो नॉन रीयूजेबल प्लास्टिक होता है उसे लेकर ज्यादा परेशानी उन्हें है। स्वाति खैर वीरेन जो बात कह रहे हैं वो भी सही है यहाँ पर कि अभी बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे FMCG कंपनियां जो हैं वो काफी हद तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है, यानी कि आने वाले समय में हमें इसे भी बदलना होगा।
जी जरूर, सबसे बड़ा प्लास्टिक की अगर हम बात करें, जो पैकेजिंग वेस्ट होता है, मल्टीलेयर पैकेजिंग होता है, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ा मेनेस है, क्योंकि जितना भी रिसाइकेबल प्लास्टिक है वो जरूर उठ जाता है, पर जो आपका मल्टीलेयर पैकेजिंग है, आपका जो चिप्स का पैकेट है, आपके टॉफी के पैकेट्स हैं, मैक्सिमम जो लिटर हम रोड पे ड्रेन्स पे देखते हैं वो ये है, और ये डायरेक्टली डंप साइट पे जाता है। तो जो 90% लिटर होता है पैकेट प्लास्टिक का, वो पैकेजिंग की वजह से होता है। तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एक रडार में लाना चाहिए था। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की भी बात करें, 2016 में जो आए थे उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोविजन के बारे में बात की गई थी, जिसमें प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा पैकेजिंग वेस्ट का, उसको वापस कलेक्ट बैक करने का। पर अभी तक ईपीआर प्रोविजन के ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। मैन्युफैक्चरर्स टन्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं उसका जो पैकेजिंग वेस्ट है वो कैसे टेक बैक होगा, उसका क्या प्रणाली होगा, ऐसा कोई सिस्टम एज ऑफ नाउ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिस्टम भी इन प्लेस होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप प्लास्टिक बैन की बात करें, दूसरी तरफ अगर एफएमसीजी कंपनियां इसी तरह से काम करेंगी तो परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। करुण श्रीवास्तव जी, फॉर्मर कमिश्नर हैं आप बीएमसी के, सर कितनी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं इस कैंपेन को पॉजिटिवली आगे बढ़ने की, क्योंकि प्लास्टिक बैन तो कर दिया है, 5,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया है अगर पहली बार पकड़े जाए, लेकिन हमारी आदत से इसका छूटना थोड़ा मुश्किल है सर, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। ऐसा है कि पहले तो ये जो प्लास्टिक बैन का अभियान शुरू हुआ है, कायदा आया है, मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए जो पूर्व तैयारी करनी चाहिए वो मेरी समझ में, जिसके लिए जितना कैंपेन चाहिए उसके लिए लोगों में जो जन जागृति करनी चाहिए, जिसके लिए करीब करीब 6 महीने का समय था, लेकिन उसका अभी 350-400 टीमें बनेंगी, वो जगह जगह शॉप में जाएंगी, वहाँ इंस्पेक्शन करेंगी, फाइन करेंगी, लेकिन उसके पहले अब वार्ड वाइज अगर ये कैंपेन होते, एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई है, वैसी एग्जीबिशन हर वार्ड में लगती, लोगों को सेंसिटाइज किया जाता कि भाई इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, हाउसिंग सोसाइटीज में जाकर के इसकी बात की जाती, तो मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा असर पड़ता। दो चार जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मंत्री लोग हैं, वो लोग आकर के ये दिखाते कि देखो हमने अपने घर का प्लास्टिक इस तरह से निकाल दिया है, अब हमारे घर में इस तरह का रियूजेबल प्लास्टिक नहीं है, तो इसका भी जनमानस पे बहुत अच्छा परिणाम पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज लोगों में इसके बारे में एक भय का वातावरण आ गया है कि कल से हम क्या करेंगे, कौन पकड़ा जाएगा, जागरूकता से ज्यादा फाइन लगेगा, भय लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि अगर और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता तो शायद सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है। 5,000 रुपए का जो फाइन है ये डराता है आम आदमी को। डॉक्टर विजय हबू भी मेरे साथ हैं, एडवाइजर हैं पेस के, जो एक पैकेजिंग एडवाइजरी बॉडी है, इसमें जो ये टीम बनी है जी सर, अगले 3 से 6 महीने इस तरह का काम करें, बिल्कुल सर, लोगों में इसके बारे में ये आइडिया भी आपका अच्छा है सर, कि लोगों को जागरूकता के साथ साथ उसके बाद चेकिंग भी हो जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। डॉक्टर हबू, व्हाट चैलेंजेस डू यू सी, आपको क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस अब यहाँ पर सरकार को फेस करने पड़ेंगे? जो बात मैं करुण जी से कह रही थी और उन्होंने कहा कि अगर शायद ब्लॉक्स में स्टेट को डिवाइड कर दिया होता, एक बड़ी टीम निकल कर आती, लोगों को ज्यादा जागरूक करती, उन्हें बताती, उस तरह से अगर शुरुआत होती तो बेटर होता। हालांकि अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कल से बैन लागू हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मंत्री महोदय ने जो कहा वो बात सही है कि सितंबर से उन्होंने बात कहना शुरू कर दी थी, पर बड़े पैमाने में नहीं थी। हम जैसे कुछ लोग थे जिनके साथ मीटिंग्स काफ़ी हुआ करती थी, ये बात सही है, पर जिस तरह से इतना बड़ा अभियान यदि चलाने वाले हैं तो जिस तरह से सभी जनता को ये बात होने पता होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं हुई है। पिछले कुछ एक दो हफ्तों में से सारी बातें उभर कर आ गई है और सरकार इतनी फॉर्मली आने वाली है, इसके पीछे अभी अभी लोगों को पता चल रहा है। इसको यदि सरकार जन आंदोलन के स्वरूप में उसको परिवर्तित करते है तो उसका इसका यश होने का संभव ज्यादा है। आज हुआ ये है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में इतनी गहराई से अंदर घुसी है, हर चीज में प्लास्टिक है,
तो उसको अचानक से आप बगैर कह देंगे कि बंद करना है, सरकार के कारण सही भी है, जनता को भी ये देखना चाहिए कि हम उसके केवल सुविधा का उपयोग ना करके फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंके, इसकी वजह से ये सारी बातें हुई है। तो एक तरफ सरकार का भी जो धोरण है वो एक तरफ से सही है, पर आखिर में क्या है सरकार का कारण, एक रोल कैसा रहता है, एक पेरेंटल रोल रहता है कि ठीक है एक थोड़े सबक सिखाने के लिए कुछ तो एक करना चाहिए था, पर आज ये जो स्वीपिंग बैन किया है उसमें उसके लिए हम तैयार नहीं है। मान लीजिए कैरिंग बैग, ये पैकेजिंग तीन प्रकार के होते हैं, एक पैकेजिंग के लिए, एक सर्विंग के लिए और एक कैरिंग के लिए। ये पैकेजिंग के लिए सिंगल यूज वगैरह करना बिल्कुल सही है, जो 50 माइक्रोन वगैरह के कम है उसके लिए बैन करना, कि कोई भी आप किसी भी पैनल में जाइए कोई भी इवन प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स भी नहीं कहेंगे उसको कि उसको छोड़ दें। बहुत सारे लोगों को परेशानी इस बात से है कि FMCG कंपनियां जिस तरह का प्लास्टिक यूज करती है वो रीयूजेबल भी नहीं है, तो उसे बैन क्यों ना किया जाए। सही है, तो यही है मैं चैलेंजेस की, हाँ मैं वही नहीं, उसमें थोड़ी समस्या ये है कि FMCG कंपनियां जिस तरह से मल्टीलेयर पैकिंग जो वीरेन शाह जी बता रहे थे कि उस तरह की मल्टीलेयर का मतलब क्या है, एक होता है एक सिंगल प्लास्टिक, जैसे ये बोतल है केवल एक प्लास्टिक की बनी है, पेट प्लास्टिक की। कई चीजें ऐसी रहती है कि केवल एक प्लास्टिक से या एक मटेरियल से वो काम नहीं कर देती, बिकॉज उसमें मॉइस्चर प्रॉपर्टीज वगैरह उसको रोकनी पड़ती है, तो उसके लिए एक से अलग 2-3-4 प्रकार के प्लास्टिक यूज करने पड़ते हैं, जैसे अपनी टूथपेस्ट की ट्यूब रहती है। जी सर। वो रहा मल्टी लेयर प्लास्टिक। तीसरा रहता है मल्टी कंपोनेंट प्लास्टिक, जो कि वीरेन शाह बता रहे थे, जिसमें केवल प्लास्टिक नहीं रहते, उसके साथ प्लास्टिक के साथ मेटल भी जुड़ा रहता है। जी। जैसा ये पैक है, इसमें कागज है, उसके भीतर फिर एल्यूमिनियम है और उसके अंदर पॉलीथीन है। जी। तीन एलिमेंट्स के इसके एक पैकेजिंग बनी हुई है। जी। तो ये रिसाइकलिंग करने के लिए, वैसे हर चीज रिसाइकल हो सकती है, कोई नहीं होता ऐसा नहीं है, पर इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको एक सिंगल प्लास्टिक सर, इन्हीं दिक्कतों से पार पाना होगा, क्योंकि देखिए शुरुआत है, महाराष्ट्र ने शुरुआत यहाँ पर कर दी है प्लास्टिक के बैन की, मिसाल साबित कर सकती है पूरे देश के सामने अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए। और जिस प्लास्टिक को रीयूज करने की बात आप कह रहे हैं या फिर दोबारा उसे रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर इन सब पर कदम उठाए जाए तो महाराष्ट्र में तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर हबू, मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी लोगों से, शो में समय की कमी है इसलिए शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन कल से महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर बैन लागू हो रहा है, सिंगल लेयर जो प्लास्टिक है जो रीयूजेबल नहीं है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।